फ्रेंड्स, अब हम प्रूव करने वाले हैं कि कैसे एक सोलेनॉइड जो होती है वह एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाउ डज़ अ सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए क्या होता है, सोलेनॉइड होती क्या है, तो एक करंट कैरिंग कॉइल जो होती है वह हम सोलेनॉइड कहते हैं, और वह बार मैग्नेट की तरह क्या करती है, एक्ट करती है। इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड उसी पैटर्न पर होगी, उसी तरह होगी जिस तरह बार मैग्नेट की होती है। तो हमें ये प्रूव करना है एक्चुअली। तो यह प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सोलेनॉइड कंसिडर किया है और इस सोलेनॉइड के कारण हम एक एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के बाद हम बताएंगे कि वह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसी पैटर्न पर है जो कि एक बार मैग्नेट का पैटर्न है। और अगर ऐसा होता है तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक्चुअली एक मैग्नेटिक फील्ड, एक जो सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग कॉइल है, वह क्या करती है, वह मैग्नेट की तरह क्या करती है, एक्ट करती है। फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है ना, या ये जो सोलेनॉइड है, इसमें कुछ हमने क्वांटिटीज़ ली हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने अज्यूम की हैं, वो मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि ये जो लेंथ है इसकी, वो 12 ली है, ठीक है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ 12। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड हमने आई लिया हुआ है, आई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच इज़ फ्लोइंग। ए जो है इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड इज ए, ठीक है। इसके अलावा जो है, हम यहाँ पर एन जो है, स्मॉल एन, इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हैं वो हमने क्या लिए हैं, स्मॉल एन लिए हुए हैं, है ना, दैट वी हैव टेकन स्मॉल एन। तो ये पूरा कंसिडरेशन है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, सबसे पहले तो हम फार्मूला निकालेंगे, और फार्मूला निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, वह निकालने के बाद में हम उसको कोशिश करेंगे देखने की कि क्या वो रिसेंबल करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट। यह हमें क्या करना है, यह हमें सोचना है और यह हमें करना है, ठीक है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट पी पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस बार मैग्नेट, इस सोलेनॉइड के कारण, तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा रीजन, एक स्मॉल विड्थ dx का रीजन हमने अज्यूम किया है, ठीक है। आपको पता है ये इंटीग्रेशन के माध्यम से होगा, तो हमने ये रीजन अज्यूम किया है और इसकी विड्थ dx है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, वो x है, कहाँ से, सेंटर से, वो x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, और ये जो पॉइंट है वह सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। दिस पॉइंट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, ओके। अब सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि ये जो dx विड्थ है, इस विड्थ में कितने करंट लूप होंगे और उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी। एक बार जब हमें यह पता चल जाएगा तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हम यह डिराइव कर सकते हैं, उसको कुछ और उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बताइए इस विड्थ dx में कितने करंट लूप होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ करंट लूप्स इन दिस विड्थ, आपने पढ़ा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल n है, तो स्मॉल n इंटू dx अगर आप कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा इस छोटी विड्थ dx में कितने क्या हैं, कितने लूप हैं, ठीक है ना, कितने करंट लूप हैं वो मिल जाएगा n dx। अब इन n dx के कारण इस पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमने फाइंड कर ली तो उसको फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए इसको इसके लिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट लूप, अब ये बेसिकली आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की तरफ ये अगर आप इस आपसे दूर की तरफ देखेंगे तो ये इस तरह से एक और ऐसा पूरा लूप बनाता हुआ दिखेगा, है ना, ये इस तरह से एक पूरा लूप बनाया हुआ है। तो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही
है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या करना है, लिखना है पॉइंट पी पर। तो देखिए वह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी डीबी, समझिएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट लूप एट एन एट अ पॉइंट विच इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीबी इक्वल्स टू, अब आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाए, फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले मैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट लूप का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाए, ठीक है, टू पाए आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए उसकी रेडियस होती है और एक्स जो है ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू पाए, टू पाए तो आपका क्योंकि ए, ये देखिए टू पाए, टू पाए तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और ये टू तो ठीक है, पाए ए स्क्वायर इसका एरिया है बेसिकली, तो ये पाए ए स्क्वायर आ जाएगा, ये हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ इसके साथ में चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो कितने टर्न्स हैं, तो वो हैं एन डी एक्स, एन डी एक्स ये करंट लूप है एक्चुअली, एन डी एक्स इतना हो गया, टू पाए ए स्क्वायर एन डी एक्स, चलिए इतनी बात तो हो गई। अब इसके बाद में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए जहाँ तक सवाल उठता है इसका, तो ये तो ए स्क्वायर है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये ए स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करते तो एक्स क्या है, तो देखिए एक्स मतलब है ये डिस्टेंस इस लूप से इस पॉइंट की, वो कितनी होगी, ये होगी वो, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आई बात समझ में। अच्छा इसमें एक चीज़ मिसिंग थी वो है करंट, मैंने करंट नहीं लिखा तो हम करंट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई ए स्क्वायर एन डी एक्स आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस तरह से हमने यह एक क्या कर लिया, इस पर्टिकुलर विड्थ में के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख ली, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सोलेनोइड की अगर निकालना तो आपको विद इन द अप्रोप्रिएट लिमिट्स क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद इन द अप्रोप्रिएट लिमिट्स। तो आइए विद इन द अप्रोप्रिएट लिमिट्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिमिट्स जो चाहिए वो लिमिट्स क्या लेंगे आप बताइए अब ज़रा यहाँ। अच्छा लिमिट्स लेने के पहले कुछ और अप्रोक्सीमेशन अगर आपको लगते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो इस इन अप्रोक्सीमेशन की सीरीज में हम एक मान सकते हैं कि आर इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन एक्स, और मान सकते हैं कि R इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन A। ये दो अप्रोक्सीमेशन अगर हम ले लेते हैं यहाँ, तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए, ठीक है, और ये हो जाएगा टू पाए ए स्क्वायर एन डी एक्स इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने R ग्रेटर देन X माना है तो r माइनस एक्स भी r हो जाएगा और r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी r स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली ये सब हटा के आप केवल लिख सकते हो r स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका r क्यूब। तो ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है यह रिवॉल्व कर रहा है इस पर्टिकुलर फैक्ट पर कि ये यहाँ पर r क्यूब लिख देते हैं हम, ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया है ना, आर क्यूब यहाँ लिख देते हैं, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। अब इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में आप देखिए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई ए स्क्वायर एन डी एक्स आई अपॉन आर क्यूब, ये हमने जब लिख दिया तो एक बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, और इसको अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे अगर तो ये पूरी सोलेनोइड के लिए आपको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, लिमिट चाहिए होगी आपको माइनस एल से प्लस एल की, क्योंकि इस पूरे के कारण निकालना है आपको, तो ये डी बी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने के लिए आप करेंगे इंटीग्रेशन डीबी, और इंटीग्रेशन डीबी हो जाएगा इट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल और म्यू नॉट अपॉन फोर पाए। अच्छा देखिए टू पाए से ये कर दें तो टू बचेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू और ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर एन डी एक्स ठीक है और अपॉन में आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आर क्यूब, ठीक। अब इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए बाकी सब कांस्टेंट है ना, बाकी सब कांस्टेंट चल रहा है इसमें, ठीक, बाकी सब कांस्टेंट चल रहा है इसमें, केवल जो है आपका
डी एक्स ही वेरिएबल है, तो आप इन सबको बाहर ले लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू एन आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा माइनस एल से प्लस एल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. आगे इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू है ना, और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू एन आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और एल माइनस माइनस प्लस एल, तो ये टू एल हो जाएगा. ठीक है, टू एल हो जाएगा, ये क्लियर है इतना. अब अगर आप इसको अरेंज करने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित जमाएं. देखिए, अब आपको क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड को उसी पैटर्न पर जमाना है, उसी पैटर्न पर अरेंज करना है जिस पैटर्न पर एक्चुअली एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है. तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन. अब मैं इसको थोड़ा सा कुछ टर्म्स में इसमें ऐड कर देता हूँ. जैसे मैंने लिखा म्यू नॉट अपॉन फोर पाए, मैंने टू यहाँ ले लिया, इधर टू का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर टू का मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, टू और पाए भी लिया है तो टू पाए, और ए स्क्वायर भी ले लेते हैं एन आए, ठीक है. या ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ से ले लिया है ना, ये टू यहाँ से ले लिया, ठीक है. ओके, सो इन दिस एक्सप्रेशन इफ यू विल सी हियर, यू सी टू इंटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. टू एल क्या है, टू एल लेंथ हो गई है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन, ठीक है. इसके बाद में यहां पर तो देखिए टू तो ठीक है, यहीं आ गया, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, टू एल जो है ये टोटल लेंथ है सोलेनोइड की, करंट आए है और पाए स्क्वायर एरिया है, ठीक है. तो अब आप यहां पर देखिए m क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो स्मॉल n इंटू टू एल हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है. तो स्मॉल n इंटू टू एल क्या दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट i हो गया और एरिया जो है वो पाए a स्क्वायर हो गया, और ये सब कुछ मिला के आपको कैपिटल m मिल जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा. तो यहां पर मैंने देखिए n इंटू टू एल इंटू i इंटू पाए स्क्वायर, इन सब की जगह मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल m लिख दिया, और ये 2m अपॉन r क्यूब हो गया. बताइए जरा, यह एक्सप्रेशन हमने अभी अभी डिराइव किया था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन ऑफ अ मैग्नेट, ऑफ अ बार मैग्नेट, और यह बिल्कुल रिसेंबल कर रहा है. पर यह डेरिवेशन हमने उससे नहीं किया है, हमने किससे किया है, सोलेनॉइड से. कहने का मतलब यह है कि जो सोलेनॉइड है वह एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिसेंबल करती है. और एक और बात, सोलेनॉइड ही वह एक्सपेरिमेंट था जिससे कि यह प्रूव हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वह बार मैग्नेट के अंदर भी क्या करती है, इफेक्टिवली एक्ट करती है. आई होप दैट दिस डेरिवेशन एंड दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.